नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूँ। वास्तु शास्त्र में आज यह सीरीज आपके घर में कोई भी बड़ी बीमारी ना हो या बीमारी है तो ऐसे कैसे हम वास्तु के सहयोग से सपोर्ट से ठीक कर सकते हैं। जीवन में बीमारियाँ कोई न कोई अपनी गलती से आता है। जैसे पहला गलती हम माने कि आपके आहार विचार व्यवहार खान पान रहन सहन ये सारी चीज़ पर निर्भर करता है। और दूसरी बात आती है कि जिस एनर्जी में आप रहते हैं, जिस ऑरा मंडल में रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, यह घर कैसे आपको डिस्टर्ब करता है और वो बीमारियों को देता है। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में इस पर भी विचार करेंगे। कहा जाता है कि पहली धन जो है, पहली संपत्ति जो है, पहला जो संपत्ति है वह निरोगी काया है, ये बताया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। इंग्लिश में इसे बताया गया है हेल्थ इज वेल्थ। आपकी जो स्वास्थ्य है वही आपकी संपत्ति है, ये कैसे ये भी बताएंगे। और आयुर्वेद जो हजारों साल से हमारी ऋषि मुनियों ने दिया वो कहता है हेयम, जो दुख आने के पहले आप इसका उपचार कर दें, आयुर्वेद यही है। अब हम आते हैं कि पूरा ये वीडियो जो वास्तु पर बना रहे हैं तो दूसरे दिशा में ना जाए, केवल हम वास्तु पर बात करते हैं। वास्तु में एनर्जी कैसे वर्क करता है? वास्तु में एनर्जी वर्क करता है कि जिस क्षेत्र का जो देवता है वह अपने गुण धर्म के आधार से हमें लाभ देते हैं या हमें परिणाम देते हैं। हम आप देखते हैं कि वास्तु में 16 जोन में एक ऐसी दिशा है जहाँ कि अगर आप कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बीमारियां होती ही होती है। ये क्षेत्र क्या है, इस चीज को समझे। ये क्षेत्र है उत्तर और ईशान के बीच का क्षेत्र, इसे हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे उत्तर उत्तर पूर्व का क्षेत्र। उत्तर उत्तर पूर्व का क्षेत्र यह कैसे आपको इफेक्ट करता है? इनके देवता है धन्वंतरी, अर्थात जो आयुर्वेद में या वेदों में अमृत कलश लेकर के जो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए थे, धन्वंतरी जी हमारे हेल्थ के देवता हैं, हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं, हमारे निरोगता के देवता हैं। यह जब यहाँ के देवता हैं तो निश्चित रूप से वास्तु में आपके घर से कभी भी इस क्षेत्र में कोई भी दोष उत्पन्न होता है तो हेल्थ आपका खराब होगा ही। अब है कि बहुत सारी बीमारियां जो वहां पर अगर वास्तु दोष नहीं भी है तो कुछ जगह पर वास्तु दोष है जिसके चलते से होता है। जैसे हम देखते हैं, अब देखते हैं कि इस वास्तु जो 16 जोन में है उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो बीमारियाँ आ जाती है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन हम कई केस में देखे हैं कि लोग पहले तो बहुत स्वस्थ सुंदर रह रहे थे लेकिन अचानक घर में थोड़ी सी जो है सो डिजाइन चेंज किए और वहाँ पर कुछ ऐसे दोष उत्पन्न हो गए कि घर में बीमारियाँ आ गई। अब ये आता है ईशान का क्षेत्र। ईशान का क्षेत्र जो 45 डिग्री पर है और यह इसके जो गुणधर्म है, यहाँ के जो देवता हैं ग्रह हैं, वह आपको भी आरोग्यता देता है, आपके हेल्थ को प्रभावित करता है। यहाँ पर भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया तो बीमारियाँ तो होगी ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह क्या चीज़ है समझिए, यह जो क्षेत्र है इनके जो तत्व हैं जल तत्व हैं और जल तत्व में ये प्यूरिटी से भरा हुआ है, पवित्रता से भरा हुआ है। क्योंकि आप समझते हैं कि साइंस ये बताता है या दैनिक जो दिनचर्या में आप देखते हैं, यहाँ से सूर्योदय होता है,
जो ब्रह्म मुहूर्त है यहीं से प्रारंभ होता है, अर्थात सूर्य की पहली किरणें जो पृथ्वी पर आती है अपने अंदर बहुत सारे एनर्जेटिक ऊर्जा को लेकर के, कॉस्मिक एनर्जी को लेकर के वो यहीं से प्रारंभ होती है और वहाँ पर रिचार्ज होता है, पवित्र होता है। इसलिए वास्तु में इसे पूजन स्थल बनाने का विधान बताया गया है, क्योंकि ये पवित्र है, एनर्जेटिक रहे। जब भी हम मंदिर में जाएं, प्रणाम करने जाएं, किसी कार्य में निकल रहे हों तो हम रिचार्ज होकर के, पॉजिटिव होकर के, सकारात्मक होकर के बाहर निकलें और आपके जीवन में इसका प्रभाव सकारात्मक मिले। यहाँ पर टॉयलेट का आ जाना, यहाँ पर किचन का आ जाना, समझिए ये दोनों चीज बहुत इफेक्ट करता है। और तीसरा चीज जो है, यहाँ पर किसी प्रकार का जो अग्नि के तत्व का क्षेत्र आ जाना, कलर भी हो सकता है, जैसे लाल कलर, पीला कलर, तो ये सारे चीज होता है तो घर में कई बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर तक की बीमारियां देता है और इसका सीधा ट्रीटमेंट है। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि यहाँ पर ये चीज लगा ले और ठीक हो जाएगा, देखिए जो ये क्षेत्र है इसको प्यूरिटी में लाना जरूरी है, उसके वास्तविक अस्तित्व में लाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको टॉयलेट को हटाना ही पड़ेगा, कोई ट्रीटमेंट आप करेंगे लॉस आपको ही होना है। लोग वास्तुशास्त्री या कोई भी कुछ बता के चला जाएगा लेकिन खमियाजा आपको भोगना पड़ेगा। तो मैं क्लियर कट आपको कहता हूँ कि यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किचन हटाना पड़ेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको यहाँ पर रेड कलर हटाना पड़ेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर भारी भरकम कोई सामान रखा हुआ है, बड़े गमले रखे हुए हैं, आप फूल के शौकीन हैं तो वो आपको हटाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। कोई भी क्लेटर नहीं रखना होगा, ऑटोमेटिक आपका जो है रोग भाग जाएगा, आपकी बीमारियां भाग जाएगी 101%, इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। दूसरी बात है कि आप अपने स्वस्थ मन का स्वस्थ फोटो, जो आदमी बीमार है उसका एकदम हंसता खेलता स्वस्थ फोटो एक आपको NNE के क्षेत्र में लगाना आवश्यक है। अगर बहुत सारी बीमारियां आपके जीवन में किसी को हो गया है तो कुछ समय के लिए आप वहां उसे उस क्षेत्र में सुला सकते हैं, उनके रिकंडीशन सही होने लगेगा, आप वो है रिकवरी चालू हो जाएगा। तीसरी बात है कि यहां पर किसी प्रकार का अगर आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है तो तत्काल यहां पर रामायण चालीसा या हनुमान चालीसा या रामायण का पाठ करवाएं, क्योंकि ये विष्णु का तत्व आ जाएगा और इसके चलते धन्वंतरी के तत्व उत्पन्न हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाओगे। ये समझिए कि आपके जीवन में जो है सो ये करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तीसरी बात है, आप समझिए कि और कैसे उत्पन्न होता है। अग्नि के क्षेत्र में अर्थात अग्नि कोण पर अगर आप वहाँ पर टॉयलेट बना दिए हैं तो भी ये बीमारी देता है, क्योंकि यह जल तत्व आ जाता है अग्नि के तत्व में, तो ये है आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ से भी आपको हटाना पड़ेगा और बड़ी बड़ी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी प्रकार का कोई संदेह हो, मन में प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं बिल्कुल बताऊंगा।